हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेटिस वर्क बनाना सिखाऊंगी। ये कई तरीकों से बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेटिस वर्क करने से पहले ये एक फिलिंग स्टिच है। किसी भी जगह को आपको अगर भरना है तो ये फिलिंग करेंगे इस तरह से। जैसे ये जो थ्रेड है, इसको जो हमारा निशान है फ्लावर की पत्ती का, उसके ऊपर से ही ऐसे लेके जाएंगे इस तरह से, और जहाँ से हमने धागे को लेके गए हैं उसी के पास से ही नीडल को निकालेंगे। ये एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे, जिस तरह से हम सैटन स्टिच बनाते हैं, ये स्टिच भी उसी तरह बनेगा, लेकिन ये कपड़े की बैक साइड पे नहीं बनेगा, ये फ्रंट साइड पे ही आएगा इस तरह ये हमारा जो फिलिंग है वो हो गया। अब इसके ऊपर हम ये पूरा जो है मेथड, ये लेटिस वर्क का ही है। इसको बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है, जो भी आपने देखा है कि धागे से पूरी पत्ती को हम स्ट्रेट स्टिच से भर देंगे, उसके बाद इसको हम धागे को पक्का करके काट देंगे। फिर इसके कंट्रास्ट कलर या इससे थोड़ा सा लाइट कलर, जैसे भी आप को पसंद हो, जैसे भी जो भी कलर, जैसे ये डार्क पिंक हमने लगाया तो आप लाइट पिंक भी यूज कर सकते हो, कंट्रास्ट कलर भी यूज कर सकते हो। हमने ये पर्पल शेड दिया पिंक कलर से, पूरा जो फ्लावर की पीटल है उसको हम पूरी स्ट्रेट स्टिच से भर देंगे। जैसे साटन स्टिच करते हैं उसी तरह से ये पीटल को हम पूरा जो साटन स्टिच से भर के, उसके बाद कंट्रास्ट कलर से उसके ऊपर थोड़ी टेढ़ी जो है स्टिच लेंगे इस तरह से। जैसे ये वाला लिया है, जिस तरफ से हम लेके जाते हैं उसी तरफ से दूसरा वाला स्टिच निकाल लेंगे इस तरफ लेके आए, इसी तरफ से हम वापस लेके जाएंगे।
इस तरह से क्रॉस चेक जैसे हमने बनाया है पूरी नेट की तरह बनाने के बाद इसी कलर से हम इसके ऊपर चेन स्टिच से या बैक स्टिच से इसकी आउटलाइन करेंगे। लेटिस वर्क बहुत तरह के होते हैं, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये हमने अभी भरवें स्टिच से बनाया है, इसको बिना भरे भी बना सकते हैं। जैसे साटन स्टिच हमने भरा है, इसके अलावा हम बिना भरे भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए कपड़े के ऊपर ही हम नेट बनाएंगे। जिस तरह से ये हमने थोड़ा स्टार्ट करा हुआ पैटर्न, ये स्ट्रेट लाइंस लगा के उसके बाद ये दो लाइन स्ट्रेट स्टिच के हमने क्रॉस बनाया हुआ है, उसी तरह से हम आगे भी क्रॉस बना सकते हैं। जैसे ये इसकी लीव की आउटलाइन हो गई है, अब इसी आउटलाइन से हम जो है दूसरी पीटल को दूसरे तरीके से बनाना बताएंगे। ये वाली पीटल को हम इसी तरह से फिर इसकी भी आउटलाइन इसी तरह से चेन स्टिच से करते हैं। इस स्टिच में ये बात ध्यान रखने वाली है कि धागे को बिल्कुल कपड़े के बराबर ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे इसको, कि ये जैसे जैसा ही नीचे ढीला कपड़ा है ये टाइट है तो टाइट, ढीला तो ढीला रखेंगे, उससे ये ठीक आएगा
आउटलाइन किसी भी कलर से कर सकते हैं, पिंक से भी कर सकते हैं, पर्पल से भी कर सकते हैं। इसकी एक लीफ जो है हमने ये वाली पिंक कलर से बनाई है, और इसके अंदर अब हम एक जो क्रॉस है पिंक का करेंगे और एक येलो का करेंगे। अब हम इसके ऊपर नेट के ऊपर येलो कलर से इसको दबाएंगे। ये उठी उठी नेट है, सीधे लंबे स्टिच हैं इसके लिए। इसको हम इस तरह से नीडल निकाल धागे को इसको सिल से दबा देंगे। ये हमारी पीतल जो है ये पूरी तरह से दबा दी है हमने। ये लेटेस्ट वर्क जो है इसमें कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो दूसरी बिना जो साटन स्टिच के बना रहे हैं उसके ऊपर हम एक स्टिच छोड़ के एक को दबाएंगे और उसके ऊपर पूरा क्रॉस करेंगे। जैसे इसमें हमने हाफ क्रॉस का निशान बनाया, इसके ऊपर हम पूरा छोटा सा बिल्कुल डबल जैसे हाफ क्रॉस करा था उसका डबल कर देंगे इस तरह से। फिर ये वाला छोड़ के ये सेंटर वाला
के आगे वाले से फिर क्रॉस का निशान लगाएं इस तरह से। एक क्रॉस लगा के ये वाला जो है एक छोड़ दिया, फिर क्रॉस लगाया, फिर ये एक छोड़ दिया, फिर इसके ऊपर जो हमने छोड़ा है उसके ऊपर हम एक और ऐसी क्रॉस लगा देंगे, फिर एक छोड़ने के बाद आगे वाले पे ये वाला छोड़ने के बाद उसके ऊपर वाले को। आप इस डिजाइन को इतना भी रख सकते हैं और इससे ज्यादा, जैसे है कि हम डबल शेड जैसे पिंक शेड इसमें यूज करा है वैसे इसमें भी हम डबल शेड यूज कर सकते हैं। पिंक कलर का जो हमने क्रॉस वाली जगह एक छोड़ी है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ये मैं भी आपको बनाना बताती हूँ कैसे। ये पिंक कलर से हम स्टार्ट करेंगे। जो जगह हमने छोड़ी है अब इसके सेंटर में हम ये लेटिस वर्क तो हमारा रेडी हो गया है। इसमें हमने सैटिन स्टिच फिल करने के बाद उसके ऊपर लेटिस वर्क कराया और एक जगह पे एक पत्ती में हमने बीच में सैटिन स्टिच नहीं फिल करा, उसके ऊपर लेटिस वर्क ऐसे ही बना दिया डबल शेड। इसमें ट्रिपल शेड हमने यूज़ करे हैं, एक डार्क पिंक है, येलो और पर्पल।
और लीव्स में भी हमने ऐसे ही करा है, ये डबल क्रॉस करा है और साइड जो है वो चेन स्टिच से आउटलाइन करी है। इसमें जो है हमने सिंगल स्टिच यूज करा है, नीचे सैटन भी नहीं करा और सिंगल जो है स्टिच है, इसमें डबल है इसलिए में इसमें सिंगल स्टिच है। और इसमें हमने क्रॉस का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा बनाया है, इस वीक में लेटिस वर्क का जो है वैसे ही बना के। और इस लीव में हमने सेम ग्रीन कलर का ही लाइट कलर यूज़ करा है। इस तरह से डिफरेंट टाइप में कितने ही मैंने आपको बता दिया है लेटिस वर्क, आप कैसे इसको बना सकते हैं। अब सेंटर के फ्लावर में हमने फ्रेंच नॉट जो है वो फिल कर देनी है, आप चाहो किसी भी कलर से कर सकते हो और मैं इसको इसी पिंक कलर से ही फिल कर दूंगी। फ्रेंच नॉट बनाना भी बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर फीलिंग होती है इससे। साइड पे हमने पिंक कलर की फ्रेंच नॉट करके सेंटर में येलो कलर का जो है वो फ्रेंच नॉट फिल करा है। इसी तरह से हमारी तीन चार टाइप की लेटेस वर्क जो है वो रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।